नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर है कपिल गुर्जर को लेकर। जी हाँ, वही कपिल गुर्जर जिसने शाहीन बाग में गोली चलाई थी। और फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कपिल गुर्जर को लेकर एक अहम खुलासा किया है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस बीच तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कपिल गुर्जर हमारा आदमी नहीं है। लेकिन इस बीच हॉकफीड न्यूज आप तक कुछ ऐसे तथ्य सामने लेकर आया है जो बेहद रोमांचक हैं, बेहद चौंकाने वाले हैं कपिल गुर्जर को लेकर। जी हां, बने रहिएगा खबर में हमारे साथ। इसके साथ ही कपिल गुर्जर की एक एक असलियत मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आम आदमी पार्टी की जो हकीकत है वो भी आपको बताऊंगा, पूरी खबर आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपकी क्या राय है कपिल गुर्जर को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भी मुझे जरूर दें। मित्रों, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर के राजनीतिक बैकग्राउंड खुलासा होने के बाद आम आदमी पार्टी की वजियत हो रही है। इस बीच केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान भी सामने आ जाता है और वो कहते हैं कि कपिल गुर्जर हमारा आदमी नहीं है। संजय सिंह जिनकी तस्वीरें आती हैं कपिल गुर्जर को टोपी पहनाते हुए, वो भी कहते हैं कि कपिल गुर्जर हमारा आदमी नहीं है। और किसी के साथ तस्वीरें खिंचा लेने से कोई जो है वो उनका नहीं हो जाता। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पार्टी के जो नेता कल तक ऐसी अप्रिय घटनाओं के लिए भाजपा को दोषी ठहरा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ये गोडसे का पुत्र हो सकता है, जो ये कह रहे थे कि ये हिंदू आतंकवादी है, अब उनके मुंह में ताला अटक गया है। खासकर वो लिब्रांडू तथाकथित मीडिया का एक गैंग जो इस बात के लिए उतावला रहता है कि किसी भी बात में हिंदू आतंकवाद को तुरंत जो है अंदर डाल दो। तो इन जो लिब्रांडू और जो सिकुलर जो गैंग है, लकड़बग्गा जो गैंग है, अब उसके मुंह में दही सा जम गया है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अहम खुलासा किया और दिल्ली पुलिस ने यह साफ कहा कि कपिल गुर्जर जिसने शाहीन बाग में गोली चलाई थी वो आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा है, आम आदमी पार्टी उसने ज्वाइन की थी। लेकिन इस बीच आपको बताता हूं कि सोमवार 4 फरवरी को क्राइम ब्रांच के इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार ने बिना किसी साफ सफाई के अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया जिसमें उनकी पार्टी के दिग्गज नेता कपिल गुर्जर के साथ दिखाई दे रहे थे। और वो प्रमाण था कि वाकई कपिल ने साल 2019 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि ये ट्वीट कुलदीप कुमार डिलीट कर चुके हैं लेकिन हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो इस ट्वीट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ब्लू टिक है, यानी आम आदमी पार्टी के जो है ब्लू टिक वाले नेता हैं। और ब्लू टिक जो है, मैं आपको बता दूं कि ट्विटर जब ही किसी को देता है जब उसका ऑफिशियल अकाउंट ये होता है। तो कुलदीप कुमार का ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पर और इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि आज आप दिल्ली के मुख्य कार्यालय में कांग्रेस और बसपा छोड़ कई नेताओं ने राज्यसभा सांसद संजय आजाद सिंह जी व आतिशी आप जी के हाथों टोपी व पटका पहनकर आप ज्वाइन करी। मुख्य रूप से बसपा के पचपड़गंज जिला अध्यक्ष चौधरी गजय सिंह जी, पूर्व ईडीएमसी सचिव मदन मोहन जी और प्रदीप हांडले जी शामिल हुए। तो ये ट्वीट है कुलदीप कुमार का। आपको बता दूं कि डिलीट किए गए पोस्ट को कुलदीप कुमार ने पिछले साल 14 मई को ट्वीट किया था, यानी 14 मई 2019 को ट्वीट किया गया था कुलदीप कुमार की तरफ से ही है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया था कि पार्टी के मुख्यालय में कांग्रेस और बसपा को छोड़कर कई नेताओं ने राज्यसभा सांसद संजय आजाद और आतिशी मारलेना के हाथों टोपी और पटका पहनकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। इसके अलावा अपने ट्वीट में उन्होंने कपिल गुर्जर के पिता गजय सिंह का नाम भी मुख्य रूप से लिखा था। दरअसल आपको बता दूं कि कपिल गुर्जर के पिता गजय सिंह का नाम सामने आ रहा है कि गजय सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इस मामले में जो कपिल गुर्जर के जो पिता हैं, इसके अलावा कपिल गुर्जर के जो भाई हैं, उनका कहना यह है कि हमारे पिताजी ने कभी भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। तो ये सफाई आई है कपिल गुर्जर के परिवार की तरफ से। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये तस्वीरें कैसे सामने आई जिनको खुद दिल्ली पुलिस ने बाहर निकाला है। दिल्ली पुलिस ने 4 ऐसी तस्वीरें निकाली, आपकी स्क्रीन पर भी ये तस्वीरें चल रही हैं। तो इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गजय सिंह
जो कि कपिल गुर्जर के पिता हैं, वो भी ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा कपिल गुर्जर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं संजय सिंह के साथ। तो इन बातों को देखकर समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी के साथ है। आपको बता दूं कि कपिल के पिता गजय सिंह आपकी सदस्यता लेने से पहले 2008 में जंगपुरा सीट पर बसपा से विधायक और 2012 में निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। मामले का खुलासा होने के बाद कपिल गुर्जर के पिता और उसके भाई मीडिया के सामने आते हैं और कपिल के पिता और भाई ने दिल्ली पुलिस के सभी दावों को खारिज कर दिया है। सचिन गुर्जर जो कि पिता हैं कपिल, जो कि भाई हैं कपिल गुर्जर के, उनका कहना है कि फिलहाल उनके परिवार का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कपिल की तस्वीरों को गलत तरीके से पेश किया गया। मित्रों, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन तस्वीरों में कुछ भी गलत है। जिस तरीके से टोपी पहना रहे हैं संजय सिंह कपिल गुर्जर को, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका मैंने ट्वीट आपको दिखाया और यह बताया कि ये ट्वीट खुद उन्होंने किया था, कुलदीप कुमार ब्लूटिक है और कुलदीप कुमार ने भी ये लिखा था कि गजय सिंह ने पार्टी ज्वाइन की। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कपिल गुर्जर के पिता गजय सिंह क्यों इस बात के लिए मना कर रहे हैं। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ है आम आदमी पार्टी की फजीहत शुरू हो गई है, यानी आप खुद ही शाहीन बाग में ज्यादा भीड़ को बिठाते हो और खुद ही वहां पर गोली चलवाने के लिए अपना बंदा भेज देते हो, अपना गोलीबाज भेज देते हो, ताकि आप बीजेपी या दूसरे तमाम हिंदू संगठनों पर यह इल्जाम लगा सको कि देखिए शाहीनबाग की जिहादी भीड़ को उठाने के लिए एक हिंदू आतंकवादी आ गया। ये कोशिशें मित्रों की जा रही थी इन लोगों की तरफ से, किस कदर मतलब दिल्ली की सियासत के लिए, दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए किस कदर राजनीतिक खेल खेला जा रहा है उसका उदाहरण मैंने आप तक पहुंचाया। बाकायदा सबूतों के साथ मैंने आपको दिखाया कि कपिल कुमार जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो खुद लिखते हैं कि गजय सिंह ने पार्टी ज्वाइन की। इसके अलावा गजय सिंह के मैंने तस्वीरें आपको दिखाई, वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इसके अलावा कुलदीप गुर्जर उसकी तस्वीरें भी मैंने आप तक पहुंचाई। तो इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि आखिर दूध का दूध और पानी का पानी है क्या। दूसरी चीज यह कि खुद दिल्ली पुलिस ने इन तस्वीरों को जारी किया है जो कि कपिल गुर्जर और आम आदमी पार्टी के नेताओं खासकर संजय सिंह और आतिशी मारलेना के साथ दिखाई दे रही है। तो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि आखिर कपिल गुर्जर किसका आदमी था। आपको बता दूं कि डिलीट किए गए पोस्ट को, जैसा कि मैंने बताया कि कुलदीप कुमार ने 14 मई को ट्वीट किया था। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टियों के बीच बिना निराधार और आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन कपिल गुर्जर की सच्चाई का खुलासा होने के बाद कपिल कुमार द्वारा ट्वीट डिलीट करना, कुलदीप कुमार द्वारा ट्वीट डिलीट करना, जब कपिल गुर्जर की सच्चाई का पता चल जाता है तो कुलदीप कुमार अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो ये वाकई में सारी चीजों को साफ कर देता है कि अगर कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी का सदस्य था ही नहीं या आम आदमी पार्टी से उसका कोई संबंध था ही नहीं तो कुलदीप कुमार को अपना ट्वीट डिलीट करने की जरूरत क्या थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मित्रों, 14 मई को आप ट्वीट करते हैं, आप आम आदमी पार्टी के नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं, आप 14 मई को एक ट्वीट करते हैं, ब्लू टिक है आपके पास ट्विटर का, उससे आप ट्वीट करते हैं और आप लिखते हैं कि गजय सिंह ने पार्टी ज्वाइन की। लेकिन 4 फरवरी को जब यह खुलासा कर देती है दिल्ली पुलिस कि कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी का सदस्य है तो आप अपने इस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि ट्वीट को डिलीट क्यों किया गया, क्योंकि यह ट्वीट सच था लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो बोल रही है वो झूठ है। लगातार केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि कपिल गुर्जर हमारा आदमी नहीं है, संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के नेता वो ये कह रहे हैं कि कपिल गुर्जर हमारा आदमी नहीं है, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता मित्रों। और कैमरे से जो तस्वीरें ली गई हैं ये खुद दिल्ली पुलिस ने जारी की हैं, ये तस्वीरें कोई किसी भी पार्टी ने जारी नहीं की हैं, ये दिल्ली पुलिस ने तस्वीरें जारी की हैं और दिल्ली पुलिस ने इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की है, ये बताया है कि कपिल गुर्जर दरअसल में आम आदमी पार्टी का सदस्य है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर दिल्ली को हथियाने के लिए गंदा खेल खेल रही है आम आदमी पार्टी, जो शाहीन बाग में धरने पर खुद ज्यादा भीड़ को बिठाती है और फिर शाहीन बाग में ही कपिल गुर्जर को भेजा जाता है गोली चलाने के लिए, ताकि
इसका आरोप बीजेपी या तमाम हिंदू संगठनों पर लगाया जा सके और यह कहा जा सके कि हिंदू संगठनों को बदनाम किया जा सके और हिंदू आतंकवाद जैसी थ्योरी एक बार फिर गढ़ी जा सके। तो ये सारी कोशिशें इस वक्त दिल्ली में चल रही हैं, लेकिन अब इन कोशिशों का पर्दाफाश हो चुका है। हालांकि आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर मीडिया का एक तबका, हमने ये खबर आप तक पहुंचाई है, लेकिन मीडिया का एक तबका जो पत्रकार नहीं बल्कि पत्तलकार हैं, वो लगातार इस पर चुप्पी बनाए हुए हैं, चाहे वो खवीश कुमार हो या फिर तमाम जो और जो नेता है और जो मीडिया वाले हैं या लिब्रांडो और सिकुलर, तो वो इस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन तस्वीरों को बाहर कैसे लाया गया और ये तस्वीरें आखिर बाहर आ कैसे गई। खैर, फिलहाल ये खुलासा हो चुका है कि कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी का सदस्य है और गजय सिंह जो कि कपिल गुर्जर के पिता थे, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली को जीतने के लिए तुच्छा खेल या मैं कहूं कि गंदा खेल खेला जा रहा है। तो दोस्तों, 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप आखिर किसको वोट देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही मित्रों, लेकिन वोट देने जरूर जाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आऊंगा, लेकिन जाने से पहले हॉक फीड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बराबर में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।